तो टैक्स लॉयर जो है है ना वो मिनट में पेल देता और आप उसको जब कहते हो ना कि ये क्या किया है तो वो कहता है जब नोटिस आएगा तो एक लागे दुनिया के अंदर आगे जाके सर जो क्यू आर कोड है वो बननी है सर चाबी अड़तालीस की आज तक को पता होता है कि आज क्लाइंट आया तो ये ना उठ उठ के दलीलें आपके <laughs> पीछे वो क्लाइंट कह रहा है कि यार ये तो दलीलें दे सर मोमेंट ये सर पीएसएल और मैचों के टिकटों पे होता है कि यार तूने कहां से ले ली यार कर लिया ना तू बता दिया कर छोटे को <laughs> <laughs> थोड़ा सा आईएमएफ को ये समझा दे कि लोग अब आ रहे हैं इस तरफ हमें ना थोड़ा सा टैक्स कम करने दो क्योंकि जब हम कम करेंगे ना इन सारे लोगों ने देना शुरू कर देना चुकाना हाँ। बंद कर देना अब ये थोड़ी है कि मैं लिबर्टी से निकल के सेंटर तो तो पार्किंग हाँ। निकल के, वो निकल अब में असर मेरे साथ हैं। शो को। प्लीज लाइक और शेयर सर, सर, well. सर।, सर खबरें कर लेते हैं सर प्लीज आपको पता है कि मामला जो है वो टैक्सी हुए हुए टैक्सीज के जो ना उसको हमने नया लफ दिया टैक्सी से सर uh, डेट uh, आगे हुई थी अभी कुछ देर पहले थर्टी फर्स्ट अब उसकी फाइनल uh, डेट है uh, को पता नहीं उसके बाद भी कुछ मूड uh, करे तो वो आगे कर दें ट्रेडर्स जो हैं आपने हमने खबर ये भी की थी कि उनका जो फेलियर टू कलेक्ट जो है वो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट है तो ये सारे बड़े मसले हैं एक रिलीफ दिया सर एफ बी आर ने मतलब मुझे पता है एक ही जुमले में ये दोनों लफ्ज दोहराना जो है बड़ी एक अजीब सी बात है लेकिन चूंकि उन्होंने कर दिया तो हम खुश भी हैं इस चीज़ से और ये आ, बहुत मुस्बत है कि सर बेसिकली जो फाइलर बनना चाहते हैं लोग जो सबका दुशवारे हैं वो जमा कराने की जरूरत नहीं रही तो अमूमन हमेशा से ऐसे होता था कि अगर आपने अपने आप को अप टू डेट करना है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड होना है तो आपके तमाम माजी के जो दुश्वारे हैं वो एक सर्टन जब तक जो जो क्लोज हो गया है उसकी बात नहीं हो रही

तो आप फिर भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे सर ये ना लोग हमें अक्सर मैंने देखा था एक दो कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग बाबों को बातें करते हैं आप खुद भी बाबे हैं लोगों ने हमारी एजिस्ट बातें की थी हमारे बारे में तो सर मैं उनको जो है ना ये ये जवाब है उनको सर कि... सर जरा जरा स्ट्रिक्ट को सर बात यह है कि अगर हम बाबे होते तो इस वक्त हम खुश ना होते उसकी वजह ये कि मैं तो ये रगड़ा खा चुका हूँ ना सिर्फ अपने में इसी साल वाले की जब कराई है तो दो साल की करवाई है क्योंकि जब वो फाइनलरी इस साल बन रहे हैं तो पिछले की क्यों करवानी थी? हाँ। वो करवाई है अब ये इनको बाद में ख्याल आया मैं वो रगड़ा खा चुका हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भी रगड़ा खाए तो सर मैं बाबा नहीं हूँ हम हम चाहते हैं कि जिंदगी में अगर आपकी आसानी पैदा होती है हमारे जरिए से हमारे एक्सपीरियंस से हमारी काटी हुई जिलत से अगर आपका भला हो जाता है तो तो ये और फाइलर ही आप बनाया तो उसको फाइलर, आ, स्टेटस ऑन करने के लिए पिछले साल का कर कराना क्यों जरूरी है और मतलब और या तो ना कि उसके लिए कोई बड़ी चीज चाहिए हो जब आप बैठे हुए हो तो आपने पेल तो देना है पिछले वाला ठीक है यहाँ तो आपको पता है ना वो ध्यान ही नहीं करते कि अमाउंट ठीक डाली है कि नहीं डाली लोकेशन ठीक डाली है कि नहीं डाली इन टर्म्स ऑफ मतलब वेल्थ में अगर आपको प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हो डिडेंट अगर आ रहा है तो उसकी अमाउंट ठीक है कोई यहाँ पे तो लोग ढाई ढाई मिनट में ना मतलब फिर भी बातें आप खुद से कर रहे होते तो आप बहुत पर्टिकुलर होते हो कोई एक चीज गलत हो गई है आप उसको ठीक करने के लिए आपने चार घंटे लगा दी सर टैक्स लॉयर जो है ना वो ढाई मिनट में पेल देता है और आप उसको जब कहते हो ना कि ये क्या किया है तो वो कहता है जब

इनमटीरियल है ना मतलब ये तो बस आपने एक कार्रवाई डालनी है कि लोगों को पता रहे कि यार ये अच्छा ये ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि ऐसे ही कुछ इसके मामले आते हैं बंदे के जब ऐसे ही है और बाद में अगर कार्रवाई डलनी है और उसमें कहना हाँ, गलती हो गई थी यार ये लो ठीक करती है मैंने उसको क्यों टेंशन सर? सर, <laughs> हम, हम काम करना भी है लेकिन उसको जान के हाफ हार्टेडली करना है ताकि आगे जब इसको फुल हार्टेड वाला खास एक पंजाबियत है जो, जो, जो ये ये, टैलेंट रखते हैं अपने पास हर शख्स ऐसा नहीं होता सर एक है, अच्छा जब आप उनको एग्जैक्टली ये, exactly ये सारी बातें जो आपने कही है जब आप लॉयर को कहते हो ना कि तो वो आगे से कहते है, नो जे सारा कुछ भी ठीक होया पर खुल गया केस खुल गया नोटिस आ गया, ते देनी मैंने ये देखिए मैं किसी बंदे से कोई भी सवाल करता हूँ आगे से जो जवाब आते हैं ना मैं खामोश हो जाता हूँ सर हम हमेशा इस शो पे कहते हैं मतलब कलाम सा बन गया कॉन्सेप्ट क्लियर है जिस बंदे के ना सर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार अगर जहां से भी पहुंचेंगे तो आप जिस रस्ते से आ रहे हो मैं रस्ते से आ रहा हूं हमारी डेस्टिनेशन एक ही है अब वो डेस्टिनेशन अननोन नहीं है वो एक ही डेस्टिनेशन है तो वहां पे आप सीधे रस्ते से पहुंच जाए मैं जीडी रोड से आऊंगा रोड वाला जो सर क्या क्या देखता हुआ <laughs> मोटरवे और सर में ये भी होता है कि जब आप एक कुछ हरकत करके आप घर चले गए होते हैं तो फिर आप ना घर जाके आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता होता है कि आज मैं कुछ इलीगल करके आया हूं सर ये ये ठीक है चीज बिल्कुल ठीक है उसमें ना एक और चक्कर भी है और वो चक्कर बताया क्या है अब सो आपने अगर खुद पेशी पे गया ना अपनी ठीक है आपने खुद ही फॉर्म भरे थे खुद ही पेशी पर सर आप पे ना एक बहुत ज्यादा होता है यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए फलाना ना हो जाए मतलब ऐसे ऐसे वसवसे जो कि मतलब तो पिछले सत्तर साल में किसी के साथ भी नहीं हुए वो मियाँ मनसा के साथ भी नहीं हुए होंगे और आप जो है मिया मंशा के वेल्थ में एक बटा पांच सौ उनासी भी नहीं हो लेकिन आपने वो वो चीजें सोच ली हैं कि मेरे साथ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है अच्छा सर जब ऑन दी अदर हैंड आपके बिहाफ पे जो वकील गया हुआ है ना मतलब और मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ये सर दुनिया की बेस्ट जॉब है ठीक है क्यों कि कंपनी किसी और ने बना ली है ठीक है मतलब उसके साथ जो है ना सारी अटैचमेंट वो उसकी होगी डूबेगा वो तरेगा वो सारा कुछ इसी तरह लोगों ने जिसमें अपने हार्ड अर्न मनी डालनी है वो उनकी अपनी एक अलहदा मौत पड़ी हुई है उनकी जिंदगी सर वो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना जिस जो ना इधर है ना उधर उसने बैठ के लैपटॉप पे टिक टिक करके निकाल दिया कि कि मेरे हिसाब से ना ना ये 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 बनती है है तो है देख लो आप सर तो इसी तरह जो वकील उसका मतलब अगर वो अच्छी डील बना लेगा तो आप उसकी बल्ले बल्ले कर देंगे अगर वो बुरी डील बनाएगा तो टैक्स वाला उसकी बल्ले बल्ले कर देगा इन एनी केस कल को पाकिस्तान का एफ सिस्टम बर्बाद हो जाए या ये बंदा जेल में चला जाए उसका बीच में स्टे की कोई नहीं है सर क्या खूबसूरत जिंदगी है खूबसूरत जिंदगी है सर और देखिए सर वकील पता कैसा होना चाहिए सर अगर फर्स कर आप किसी पेशे पे पर जाना भी पड़ जाए वो किसी भी किस्म की हो टैक्स की अदालत में हो वो रेंट की अदालत में हो वो क्रिमिनल हो सिविल हो कुछ भी हो सर वकील ऐसा होना है जब वो एंटर हो ना सर आ, उस अहाते में वो सेशन कोर्ट हो जाए हाई कोर्ट हो जाए तो दूर दूसरा लोग कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है वो भी भगया फीते कैसा है ठीक है सर ये जो है ना मतलब वो जो वहाँ का गार्ड भी है वो भी कह रहे सर कैसे हैं आप ये होता है कनेक्टेड बंदा सर ये बंदा वो होता है जिसने ना ना पेड इज ड्यूज लिटरली उसे पे किए हैं वो अपने ड्यूज अब वो जाता है ना उसको सलूट पड़ता है यूं करके ये वाला सर और जब उसको सलूट पड़ता है आप उसे क्लाइंट होता है क्लाइंट कहते हैं वाह मैं आई मेड द राइट चॉइस केस आप हरे जीते को फर्क नहीं पड़ता उससे लेकिन जो आपको प्रोटोकॉल उसे दे रही ना वहां पर सर आप किसके साथ आए आपका दिमाग ठीक है आप बैठे से इधर बैठे तो मुझे मुझे ऐसा वकील चाहिए सर जो आपको ठंडा कर सर मुझे ना एक्चुअली एक दो वकीलों ने ये बताया हुँ. कि अमूमन तो जाहिर है हमें क्लाइंट करता क्यों है वकील वो इसीलिए करता है कि उसको ना आना जाना पड़े हुँ. ना खबर होना पड़े लेकिन कभी कभी ना किसी किसी क्लाइंट को ये भी शौक होता है कि यार वो जो फलाने तरीकारी पेशी है उस पर मैं भी आऊंगा हाँ. कि मैं देखना चाहता हूँ जब चाहते होनी नहीं हाँ अच्छा सर उधर सुना है कि ये ना पहले बता देते हैं सबको कि आज क्लाइंट ने आना है ठीक है, जज तक को पता होता है कि आज क्लाइंट आया है, तो ये ना उठ उठ के दलीले। सर सर, तो सर, <laughs> सर ये, ये वरना जिस दिन क्लाइंट नहीं ना होता तो तो था वो बड़े के लिए भी वकील और जज सारे वो बैठ के रजिस्ट्रार्लाइंट जूनियर को भेजता होगा तू जाकर देख लेने तो सर ये ये, ये, चीज़ है, सर ये, बेसिकली ना ये हाई लेवल गेम है जो जिसके अंदर आप अपनी जो एक्सपर्टीज है ना वो है ही नहीं आपकी आपकी एक्सपर्टीज है मिंगलिंग तो आप वो कर रहे थे हमारे मुझे वाकई याद आ गया हमारे एक दोस्त होता है यूनिवर्सिटी में तो फिर वो कराची के थे कोई मतलब अच्छे खाते पीते आ, लेकिन ना उसको जब एक दफ़ा मैं जब कराची जा रहा किसी काम के सिलसिले में तो वो कहा मैं तुझे एयरपोर्ट से पिक करूंगा मैं कर ले यार मजार बात है लेना कैब लेते हैं हम तो और ये किसी और दोस्त के साथ भी हुआ था तो सर वो सदा जो है ना इस काम में मास्टर था वो जब एयरपोर्ट से पिक करे ना तो जो पहला इशारे पे वार्डन खड़ा होता है ना वो यूं गाड़ी गिरा पाते है सर जी सर कैसे हैं आप सर ठीक एक मिनट में सर मैं करता हूँ सर बाद में मुझे ना जो उसके साथ एक और उसका दोस्त था ना जो जिसके साथ उसने की थी उसने फिर जाकर हरामी था इन्वेस्टिगेट किया कहते एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आता है उसको पैसे करा के जाते हैं कि यार जब ये गाड़ी आएगी जरा मुझलूट मारते हैं कि जरा मेरी वाहवा हो जाएगी तो सर ये वही टैक्टिक्स है ना लेकिन आपके लिए थोड़ी देर के लिए तो वो बंदा हो गया ना यार कि यार बड़ तो बस सर ये 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 चल रहा है सर निजाम क्योंकि सर ये बड़ा जरूरी इसलिए होता है कि आप जो कह रहे हैं ना इस मुल्क में आप कुछ भी एक नंबर दो नंबर कोई भी जब काम करवा लेते हो ना मतलब कोई भी आपका काम हो जाता है तो आपने देखा होगा कि आपके सारे दोस्त रिश्तेदार कुछ सब आपके यहाँ बोलते हैं ये कि में कराया तो सर में आपको काम एक ही तरीके से होता है जानने वाला रिश्तेदार जिसको लगता है उसका बड़ा पावर है वो आपसे पूछे कि यार तूने ये कैसे करा लिया और आगे से आप कहें यार कभी काम हो तो बताएंगे देखेंगे <laughs> सर अमूमन ये सर पी एस एल और मैचों की टिकटों पर होता है कि यार तूने कहा से ले ली यार कर लिया ना तू बता दिया कर छोटे आगे <laughs> है चलते हैं सर ये सर हमें नहीं पता कि मुस्बत है या मनफी है बट खबर मैं पढ़ देता हूँ उसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिजली बिलों पर जुर्माने की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है लेट बिल्स पर सरचार्ज चार्ज दस से पाँच से दस फीसद कर दिया गया सो बेसिकली ये है कि सर अगर आपका इमीडिएटली एक दिन के अंदर अंदर आपका डेट गुजर कर एक दिन हुआ है तो आपको फाइव परसेंट देना पड़ेगा ऑफ द टोटल बिल अगर तीन दिन के बाद अदायगी की आपने तो फिर आपको पड़ेगा दस फीसद तो बेसिकली उन्होंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया कि मतलब अगर लेट हो भी गए आप तो आप फाइव परसेंट चले इज़ बेटर देन टेन परसेंट लेकिन तीन दिन के बाद पूरे बिल का दस फीसद जो है, आपको देना पड़ेगा जो कि ठीक ठीक अमाउंट बन जाती है मतलब जिनकी ज्यादा बिल बहुत ज्यादा आते हैं तो उनके लिए तो एक चुभने वाली चीज है ये तो आ, वरना तो एक स्टैंडर्डाइज एक अमाउंट होती है जो जिस चीज़ को कहते हैं तो आ, वैसे सर आ, अब ये चीज बेहतर होगी बिलों के अंदर कि अब एक दस दिन का मार्जिन है बीच में एक दो महीनों से चल रहा है वरना आपको याद होगा जिस दिन बिल आता था उसी दिन आपको अदा करना पड़ता था तो शुक्र है वो वह याद प्रैक्टिस जो है उन्होंने रोकी है बाकी सर बिजली के अंदर और वो जो सिमो वाली आपने जहराम खबर की थी उसके ऊपर भी अपडेट आ गई है तो उसके ऊपर अपडेट यह कि अभी नहीं हो रहा आ, उसकी ढेर सारी वजह आते हैं कि जी अब उसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले बहुत ही छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट पहले होएगा उस पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बैक एंड का उसके बाद इसको फिर वो लगाएंगे तो सर बेसिकली मेरे ख्याल में जो मीटर रीडर लॉबी है आपकी और थोड़ी चीखें मारी होंगी इस चीज़ पर की करी होंगी सर ये जो मुस्बत मनफी का फैसला है ना ये अभी कर लेते हैं ये मेरा तो ख्याल है कि अगर तो जो आपका सरचार्ज था वो दस परसेंट ही था। और हुकूमत ने ये किया है कि अगर आप दो दिन लेट हो तो वो दस से पाँच फीसद है तो फिर तो ये मुस्बत है अगर सरचार्ज कम था और उसको उन्होंने तीन दिन के बाद पे करने पे दस फीसद कर दिया है तो फिर ये इतनी नहीं है फिर ये मनफी खबर है बाकी मैं तो सर एक ना कुछ इस तरह की स्कीम लाना चाहता हूँ अगर कभी मैं प्राइम मिनिस्टर बना और वो आमीन मीन वो ये है कि सर कु, 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 जो है ना कि गैस का बिल किस तरीक को आता है उसकी ड्यू डेट कुछ और होती है बिजली का किसी और इंटरनेट का किसी और करते जाएं वो जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं वो कोई और दिन चल रही हैं तो ये जो है ना कि सब पे आपको ऑप्शन हो कि अच्छा यार मेरा मंथ टू मंथ बाईस टू बाईस चल रहा है तो मैं इस दफा जो है ना मैं एक महीना सात दिन के जमा करवा के तो अपना पहली को ले आऊं मतलब तो क्या बोले वर जो भी आपको सूट करती है पंदर... वो सर आपको पता हो कि बस इस तारीख को मेरे सारे बिल जाने हैं वरना आप हाँ। देखिए एक तो ये है ना कि जो बंदे के पास गरीब आदमी के पास बेचारे के पास पैसे नहीं है तो वो तो एक अलहदा इशू है वो तो कुछ फैगर कर देता है वो वो तो किसी भी महीने में हो सकता है लेकिन ये है कि जिसके पास पैसे हैं वो भी यादाश्त की वजह से जो मिस करके सरचार्ज अपने आप को एक सदे बिल का पढ़वा लेता है वो बढ़ी जाती है बाकी इसमें सर हमारी जो बैंकिंग एप्स है अब तमाम चीजें उन उनपे हो जाती होती हैं तो वो भी है सर एक फैसिलिटी जो है इंश्योर क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप वन पेमेंट कह दें या वन विंडो कर दें मतलब टर्न की नाम कोई भी दे दें उसको कि आपके सारे बिल जो हैं वो इन है आपकी जो नंबर हैं रेफरेंस नंबर और आपको इंडिकेशन ऐप आपकी दे रही है कि यार आपका बिल आ गया ये अमाउंट है और सिर्फ आपसे पूछे कि पे कर दूं आपको ये सी पे कर तो ये भी एक सहूलत है बिल्कुल क्योंकि वो जो देखे ना जो पीटीसी एस एम एस करती है वो लेस्को वाले तो कुछ भी नहीं कहते आपको गैस वाले भी कुछ नहीं कहते आप इंटरनेट वाले इंटरनेट बंद कर देते हैं पानी वाले तो खैर बिल आपसे पैसे लेने से भी इंकार कर देते हैं <laughs> कम अज कम आपको छह छप्स बैंकों से ट्राई करना पड़ता <laughs> है फिर वो उनमें से कोई एक्सेप्ट एक कर लेते <laughs> हैं उनकी मेहरबानी मेहरबानी होती है और सर वो जमाना आप चला गया सर मुझे तो बड़ी देर हो गई है सर के मैं तो बैंक जाने से भी सर मैं परेशान होता हूँ कि बैंक जाके क्या करना है किसी क्या करूँ मैं बैंक जाके वहाँ है क्या करने को या तो आपने कोई बहुत बड़ा विद्रॉल करना है या कोई बहुत बड़ा डिपोजिट करना है फिर तो ठीक है आ, वरना सर आजकल इतना ये हो गया कि क्योंकि आप इजी पैसा जैज कैश भी आप बैंकिंग ऐप से किसी को दे सकते हो अगर आप इजी पैसा जैसे आपके पास भी नहीं को फर्क नहीं पड़ता तो जिंदगी के अंदर ये चीज़ें सर ये आसान होती जा रही हैं इससे हम खुश हैं पाकिस्तान है। शुक्र है इस चीज़ का हिस्सा है और वो सर भी रिकॉर्ड बना ना आधे साल में रास्त में ए, एक ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन हुई हैं थ्रू रास्त बेसिकली लोगों ने ऑनलाइन वो करवाई है तो वही चीज़ के हम जिस तरह बड़े वो होते थे कि इंडिया ने कैसे कर लिया कैसे कर लिया ओ भाई इधर भी आप एक दफा लॉन्च तो करके देखते कन्वीनियंस किसको नहीं पसंद ठीक है आपने वो किया ही नहीं आपने रस्ते में रोडे अटकाए अगेन क्यों क्योंकि आप उसको इकोनॉमी को रखना चाहते थे अनडॉक्यूमेंटेड ठीक है वो यहाँ पे जब तक कोई बाहर से कहे ना कि डॉक्यूमेंट करो हम करते ही नहीं है तो अब वो जब आपने कर दिया अच्छा यही अब आपको थोड़ा सा आई एम एफ को ये समझा दे कि लोग अब आ रहे हैं इस तरफ हमें ना थोड़ा सा टैक्स कम करने दो क्योंकि जब हम कम करेंगे ना इन सारे लोगों ने देना शुरू कर देना चुकाना बंद कर देना वो अभी प्रॉब्लम ये कि है कि टैक्स भी ज्यादा है सर्विसेज उस तरह से नहीं है लोग फिर ब्लैक की तरफ जाते हैं थोड़ा सा हमारी टैक्स की शरार नीचे आ जाए ना हम टैक्स पर अच्छा सर बड़ी अच्छी है आपका पॉइंट है कि मतलब राधर देन कलेक्शन आप इस तरह से करेंगे यार जबरदस्ती से आप लोगों को डिस्काउंट देना शुरू कर दें विलिंग टू पे टैक्स डिस्काउंट कि भाई मैं देने को तैयार हूँ लेकिन मैं इतना देने को तैयार हूँ ठीक है यार आप इतना दे तो आप जो सर ये आज से मुझे याद है दो साल पहले तक कुछ इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था कुछ अर्से के लिए कर दिया था कि आपका सोलह के बजाय सेल्स टैक्स पांच परसेंट है आ, सर मैं जानता हूँ लोगों को जो कि टैक्स नेट में आ गए थे जिन्होंने सेल्स टैक्स देना शुरू कर दिया यार चलो पांच ही वाइट मनी बिल्कुल ठीक है हाँ। आ, ये, ये वो एक करने देना शुरू किया तो आपको अंदाजा हो गया कि सेल्स इतनी है फिर जब आपने बाद में 16 परसेंट किया है तो उसमें जाहिर है ठीक है कोई मतलब थोड़ा बहुत का फर्क भी पड़ा ऊपर नीचे तो खैर है लेकिन एकदम से उनकी सेल्स अगर हाफ से भी नीचे चली गई तो

जो चलाती हैं भकूमती मैंडेट है ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का तो इसके अंदर ओवर चार्जिंग जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है जी सर जहाँ पर्ची आ गई ना वहाँ पे रेट अपना अपना है वहाँ तो पर्ची के ऊपर दस लिखा होगा अगला कहेगा यार कि मैं आपको इस वक्त जगह कम है लेकिन मैं आपकी लगा देता हूँ वह सर्विस भी दे देता है पचास रुपए में सौ रुपए में तो ये एक मसला बड़ी देर से चल रहा था इसको ठीक करने के लिए सर उन्होंने डिजिटाइज करने जा रहे हैं पार्किंग को तीन पायलट प्रोजेक्ट्स लगेंगे एक आपका लगेगा लिबर्टी में और दो और जगह तो सर वहाँ पे बेसिकली दाता दा, दादा दरबार दा, दा, और लिबर्टी में तो वहाँ पे सर कर ये रहे हैं कि आप प्रीपेड जी टैग ले लें और गाड़ी के शीशे पर लग जाएगा और आपने जब भी किसी पार्किंग प्लाजे में जाना है जैसे आपका एम टैग है सर उसका रिंग रोड का तो उसी तरह आपके पैसे कटते रहेंगे एक ये ऑप्शन है दूसरा ये है कि मौके पे ही जो पार्किंग अटेंडेंट होगा वो क्यू आर कोड जनरेट करेगा उसको आप स्कैन करेंगे और आपकी किसी ऐप से वो पैसे कट जाएंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है सर मेरे तो ख्याल में जो हमारी पिछली खबर थी वो भी यही थी कि सर कैशलेस जो दुनिया है ना जिंदगी है वो बेहतरीन जिंदगी दिन, है तो उस पर आए आप और उसी पर आप सिस्टम अपना रखें अब ये कितनी कामयाबी से कर पाते हैं एक अलग सवाल है

सर असल में एक बहुत मसला हो जाता है ये कि भाई अब आपने गाड़ी भी लगा ली है अब आपके पास चेंज भी नहीं है अब आप किसी के पास जो फर्स करें आपके पास पाँच सौ रुपये का नोट है या हज़ार रुपए का नोट है तो और आप कहें जी पार्किंग आपकी बीस रुपए की तो अगला चेंज नहीं देता आपको या शायद उसके बाद वाकई में होता ही नहीं चेंज तो इस सारे झंझट से निकलने के लिए क्यू आर कोड पे जैसे दुनिया के अंदर आगे जाके सर जो क्यू आर कोड है वो बननी है सर चाबी हड़ताल की तो आप पहले अपना लें उसको ने ने पान भी गई है और वो वहां से आपको ये को खरीदना भी नहीं पड़ेगा वो आपको मुफ्त दे देंगे उसको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा हाँ। के हिसाब से आप अच्छा आवाम डिफरेंट है यहाँ तो जब किसी ने अगर डेढ़ दो महीने का जी टैग लगा लिया और किसी अपने दोस्त को बता दिया कि यार मैंने मैंने कॉलीगो उसका फर्ज करना डेढ़ दो महीने की पार्किंग डवा ली है इसके अंदर सर उसने उसको कहना है यार कि मैंने जरा ना यार एटीएम तक जाना है मेरी गाड़ी पार्क नहीं हुई हुई अपनी चाबी दे तो मैं ना जरा ये गाड़ी सर वो जाएगा उसको जी टैक और जेब में रख लेगा और बोले ट्रस्ट फैक्टर रही है सर ये आवाम आवाम जो है ना सर उनको भी एक थोड़ा सा जितने सिस्टम ज्यादा बनाएंगे इतना सिस्टम में वो आएंगे उसकी तमीज़ समझेंगे ये पायलट प्रोजेक्ट सब कर लें और ये उसके बाद देखी जाएगी सर क्या बनता है बिल्कुल सर ऐसे ही है सर बाकी सर हमारी खबरें खत्म हो जाती है सर इजाजत लेते हैं अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात हुई Love